मलाई रोल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंस्टेंट मलाई रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्द मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनती है। तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनु, मनुज टेस्टी रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मलाई रोल बनाने के लिए मैंने एक बर्तन के अंदर 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, तो गैस की फ्लेम अभी बंद है। इसके अंदर मैं 1 कप से थोड़ा सा कम दूध ऐड करूंगी। आप अपने घर के किसी भी कप से इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब मिल्क पाउडर और मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, उस वक्त हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसे मीडियम कर लेंगे। ये सारी प्रोसेसिंग हमें मीडियम टू लो गैस पर ही करनी है। अब गैस को मैंने ऑन कर लिया है। देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होकर एक पेस्ट की तरह बन गया है। अब जब ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। अगर आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून चीनी इसके अंदर सही रहेगी यानी कि परफेक्ट रहेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तो आगे की प्रोसेसिंग में जाएंगे। अब इसे धीरे धीरे इसी तरह से चलाते रहना है और इसकी थिकनेस को बढ़ाते रहना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुद्ध देसी घी। आप चाहे तो देसी घी के बगैर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो इसके अंदर शाइनिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और घी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता ही है। अब इसको अच्छे से इसके अंदर मेल्ट करने के बाद इसको धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो ये नीचे भी लग सकता है। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून भर के घर की फ्रेश मलाई ऐड की है। अब मलाई रोल हैं तो मलाई रोल के अंदर मलाई डालना तो बनता ही है। अब इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स करके हम इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे बारीक बारीक। इसके अंदर मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और एलमंड्स ऐड किए हैं। थोड़ी सी किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए अब मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए, तो ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है। अब ये बिल्कुल जैसे बर्फ़ी जमने के लिए तैयार हो जाती है ना। ये देखिए पैन को कैसे छोड़ दिया है इसके मटेरियल ने। बस इसी स्टेज के ऊपर हम गैस को कर देंगे बंद और इसे एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हम इजीली इसके रोल बना सकें। अब चलते हैं रबड़ी बनाने की प्रोसेसिंग में। तो रबड़ी हमने इंस्टेंट रबड़ी बनानी है, तो इसके लिए मैंने 1.5 कप दूध के अंदर 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। इस बार मैंने दूध की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को कम कर दिया है। अब इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी ऐड की है। आप चाहें तो थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हिला लेंगे, ताकि सारी चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो गाइस, आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर केसर वाला दूध। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन ये केसर वाले दूध से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब धीरे धीरे इसको चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को भी थोड़ा सा थिक करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसके अंदर बॉयल आ गया है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें
इस रबड़ी की चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से थिक भी हो गई है, इसने पैन की किनारियाँ भी छोड़ दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई। बस इसी स्टेज के ऊपर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इस रबड़ी के अंदर मैं एक इलायची ऐड करूंगी। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून रोज़ वाटर। अब हम ब्रेड की तरफ चलते हैं। ब्रेड की चारों तरफ से किनारियों को काट लेंगे और एक बेलन की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से बेल कर इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे ताकि हम जब मलाई रोल बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इसको इतना पतला कर लेना है। अब इसी तरीके से हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा दूध ले लेंगे और एक ब्रश की हेल्प से सारे ब्रेड जो हैं उनकी एक साइड में हम इस मिल्क को लगा देंगे। देखिए मैंने ब्रश की हेल्प से इस मिल्क को ब्रेड की एक साइड लगा दूंगी। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग रखकर इसको रोल करेंगे तो बाहर वाली साइड तो रबड़ी से ही ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर वाली साइड से ही हार्ड रह जाएगी। अगर हम इसके अंदर वाली साइड भी दूध लगा देंगे तो ये अंदर वाली साइड से भी बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। अब मैंने दोनों हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये जो मटेरियल हमने ठंडा होने के लिए स्टफिंग कर रखा था ये ठंडा हो गया है। अब इसको रोल करके इस तरीके से बना लेंगे और एक ब्रेड का पीस रख के उसके अंदर इस स्टफिंग को रख के धीरे से हल्के हाथों से इसको रोल करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हमारा एक रोल तैयार हो गया है और ऐसे ही हम बाकी के रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने दूसरा ब्रेड लिया, उस पर रखी स्टफिंग और उसको धीरे से करा फोल्ड और बस है ना बिल्कुल इजी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस अब बारी आती है इस डिश को डिश आउट करने की। तो मैंने एक बाउल के अंदर ये सारे रोल रख लिए हैं और उसके ऊपर से मैं ये इंस्टेंट रबड़ी डाल दूंगी। सारे रोल हम रबड़ी के अंदर डिप कर लेंगे और अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। मैंने इसे पिस्ता, आलमंड, कैशन सारी चीज़ों से गार्निश कर लिया है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।